नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पी के एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे आपके डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो डिटेल नोटिफिकेशन आपका KVS का, केंद्रीय विद्यालय का, लाइब्रेरियन का, जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो आपकी एज क्या रहेगी, कितनी छूट आपकी आयु में दी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा KVS में, इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेड डेट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो इसमें सभी आपके नोटिफिकेशन जो आए आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट उसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले तो इसके पदों की, कितने पद आपके जो लाइब्रेरियन के निकाले गए हैं। तो KVS द्वारा ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें आपके जो टोटल पोस्टें हैं KVS की, वो आपकी 355 पोस्टें KVS की दी गई हैं। और इन 355 पोस्टों को क्या है, भी कैटेगरी वाइज भी विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपकी जनरल कैटेगरी है 146, इसमें आपकी पोस्ट दी गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 95 दी गई है। SC कैटेगरी के लिए आपकी क्या है, 53 है। ST के लिए 26 और EWS के लिए 35। OH की 6 है और HH की 5 है। तो टोटल मिलाकर आपकी जो KVS की पोस्ट है, इस बार अच्छी पोस्ट है, 355 पोस्ट आपकी KVS लाइब्रेरियन की दी गई है। किसकी भई, KVS लाइब्रेरियन की। इसके अलावा इसमें आपके बात करें अन्य इम्पोर्टेंट बातें की, तो इसमें आपके क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की, कई बार कई बच्चों ने पूछ लिया है, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। साथ में इसकी क्या है, पे स्केल की बात करें, तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है ये। और पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 रहेगा, इसमें 44,900 से 1,42,200 ये आपका पे मैट्रिक्स दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें लाइब्रेरियन के, तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो आपके बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि क्या दिया गया है, BLIS दी गई है, BLIS। और साथ में क्या दिया गया है, और इसके यदि आपके पास BLIS नहीं है तो ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी क्या होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपके पास क्या है भी, पुस्तकालय विज्ञान में 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास पुस्तकालय विज्ञान में लाइब्रेरी साइंस में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, BLIS होनी चाहिए, यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। और उसके साथ आपको क्या है भी, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज आवश्यक है। इसके अलावा बात करें डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें कोई डिप्लोमा नहीं बोला गया है अभी, कोई इसमें वर्ष नहीं बोला गया है, केवल क्या मांगा गया है, कंप्यूटर की नॉलेज, यानी कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो आप क्या है भी, अप्लाई कर सकते हैं KVS लाइब्रेरियन 2022 के लिए। इसके अलावा इसमें अन्य इम्पोर्टेंट बात करें तो इसमें क्या है भी, एज इलेक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है, एज इलेक्शन, यानी कि जो एज दी गई है वो आपकी मैक्सिमम एज 35 दी गई है। इसके अलावा भी आयु में आपको क्या है, अलग से छूट दी गई है, उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर ए पॉइंट दिया गया आपका, शेड्यूल कैस्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसको भाई 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो 35 ये और 5 वर्ष ये, तो आपका क्या हो गया अभी, 40 वर्ष तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेज, OBC वाले भाई 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो OBC वाले 38, क्या हो गई आपकी एज,
38 हो गई मैक्सिमम। इसके अलावा वुमेन्स ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज की जो वुमेन्स है महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की अलग से छूट है वो दी गई है। तो इनकी एज लिमिट क्या हो गई भी, मैक्सिमम एज हो गई इनकी 45। सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये भी 45। केवीएस एम्प्लॉयज़ के लिए 9 एज बार दिया गया है। इसके अलावा भी जो कैंडिडेट 3 वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनको भी यहाँ पर अलग से क्या है, छूट दी गई है। जनरल में 5 वर्ष की, ओबीसी में 8 वर्ष की और एसटीएससी में 10 वर्ष की, जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है कर्मचारी हैं उनको दी गई है अभी। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी छूट है अलग से। इसके अलावा जो पर्सन डिसेबिलिटीज है उनके लिए यहाँ पर अलग से छूट दी गई है, यानी 35 तो ये है। इसके अलावा एसटी और एससी और एसटी के जो डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी है 15 वर्ष की छूट दी गई है, तो उनके लिए क्या हो गया अभी 50 हो गई है मैक्सिमम एज। ओबीसी के जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 13 वर्ष की है, तो उनके लिए 48 मैक्सिमम एज हो गई। और जनरल डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या हो गई भी 45 हो गई, 10 वर्ष की छूट इन्हें दी गई है। इसके अलावा भी एक्स सर्विसमैन में दी गई है ग्रुप ए जिनकी पोस्ट है उनको भी कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी गई है। जनरल उनके लिए 5 वर्ष है, तो ये 40 हो गई आपकी। इसके अलावा ओबीसी वालों को 8 वर्ष की छूट दी गई है, तो ये आपकी 43 हो गई। एससी एसटी वालों को 10 वर्ष की है, तो कितनी हो गई भी 45 आपकी हो गई। इसके अलावा ग्रुप बी पोस्ट में भी अलग से छूट दी गई है, 3 वर्ष की है भाई जनरल के लिए 38 हो गई, 6 वर्ष की ओबीसी में 41 हो गई। इसके अलावा जो एसटी एसटी है एससी एसटी है जो ग्रुप बी में पोस्टेड है सी में पोस्टेड है बी और सी के लिए ये, तो उनको 8 वर्ष की दी गई है स्टेट की, तो 35 तो ये थी आपकी और 8 वर्ष ये हो गई, तो 43 हो गई उनके लिए। तो ये आपकी क्या है आयु में जो छूट दी गई है वो आपको क्या है पूर्ण रूप से बता दी। अभी सभी महिलाओं के लिए क्या दी गई है 10 वर्ष की छूट अलग से दी गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेड डेट्स की बात करें और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम आपका होगा 180 का, 180 नंबर का और लगभग 60 नंबर का क्या है आपका इंटरव्यू है। क्या होगा भाई आपका इंटरव्यू। केवीएस में लाइब्रेरियन के लिए क्या होगा इस बार इंटरव्यू होगा। सीबीटी आपका होगा 180 मार्क्स का, 180 नंबरों का आपका सीबीटी आयोजित किया जाएगा और 60 अंकों का क्या होगा भी आपका इंटरव्यू। तो ये भी आप क्या है भी ध्यान रखें। ये आपकी एग्ज़ाम सिटी दी गई है, कौन कौन सी जो सिटी है जहां पर आपका एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा इम्पोर्टेड डेट्स की बात कर लेते हैं, ये दिया गया है किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो 1500 रुपये दी गई है इसमें, कितनी दी गई है 1500 रुपये, 1500 रुपये आपकी क्या है फीस है वो दी गई है 1500 रुपये लाइब्रेरियन के लिए। इम्पोर्टेड डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपकी 5/12 है, 5 दिसंबर से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि क्या दी गई है 26 दिसंबर 2022, 26/12/2022, 5 से 26 के बीच क्या भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं घोषित की गई है, घोषित हो जाएगी आपकी बाद में जब एग्ज़ाम होंगे। तो ये आपका क्या है भी केवीएस का डिटेल्ड नोटिफिकेशन था
जिसको हमने आपको पूर्ण रूप से बताया अभी। एज में भी आपको छूट बताती है किस प्रकार दी गई है, जो आपकी फीमेल है, फीमेल को 10 वर्ष की है, 35 के अलावा ये छूट दी गई है अभी, ये भी ध्यान रखना आप। तो धन्यवाद, ये आपकी क्या है अभी, KBS की वैकेंसी 5 तारीख से फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे।